ये 40 रुपीज की भाई हमारी प्लेट तैयार हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। ओए, ओए, ओए। मस्त रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, हंसते रहो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। ये है दीपक, मैं हूँ यतीन। तो भाई आज हम जहाँ पे पहुंचे हैं ना, वो पहुंचे हैं अमृतसर में आलू वालिया कटरा चौक में। भाई अमृतसर के ना आपने पापड़ और वड़िया तो बड़ी सुनी होंगी, पर क्या आपको पता है यहाँ पे आम पापड़ भी मिलता है। आम पापड़ जो यहाँ पे मिलता है ना, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, वो भी ना एक चाट बना के देते हैं। तो भाई मैंने एक ये रेडी देखी थी, एक यहाँ पे बाऊजी लगाते हैं जो कि मैंने सुना है कि यहाँ 30-35 साल से खड़े हुए हैं, बिल्कुल गुरदास राम जलेबी वाला है ना उसके बिल्कुल साथ ही लगाते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या आइटमें हैं आम पापड़ में, क्या क्या चीज़ें हमें खिलाएंगे बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले तो बाऊजी का नाम पूछते हैं। बाऊजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, आम पापड़ वाला घर है। ये मेरे बेटे के नाम पर रखा हुआ है, बोर्ड पे लगा हुआ है। युवराज आम पापड़ वाले इनके बेटे के नाम पे है। तो कैसे शुरुआत हुई आपकी? ये शुरुआत आज से 30-35 साल हो गए लगाते हैं गाड़ी को। तो यहाँ पे गुरदास राम जलेबी वाले के पास यही कोई 10-15 साल हुए हैं यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं। और धीरे धीरे हमें लगा यार ये काम अच्छा है। ये स्वर्ण मंदिर के पास है, बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के पास है, गुरदास राम जलेबी वाले के पास ही खड़े हैं। तो वो बढ़िया से काम चलता है यहाँ पे? हाँ बहुत अच्छा काम आते हैं, बहुत दूर 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 से टूरिस्ट आते हैं। हाँ हर एक चीज़ का स्वाद उन्हें चखाया जाता है। तो यहाँ पे कितने तरह के आम पापड़ है आपके पास? हाँ हमारे पास 4-5 तरह के आम पापड़ है अभी, जो ज़्यादा फेमस है। अच्छा। खाने के लिए टेस्ट होगा और खाया पिया आपका हाजमा दुरुस्त किया जाएगा, पेट में फारा हो, गैस हो, भूख ना लगती हो, उसका भी है हमारे पास। चूरन है बहुत अच्छा है। कौन सा चूरन है वो? वो ये है, ये चूरन होता है जो पेट में गैस हो, फारा हो, भूख ना लगती हो, खाने में टेस्ट होगा और फायदा भी होगा खाने के लिए। नहीं हमें तो भूख प्रॉपर लगती है, हम तो सारा दिन खाते रहते हैं फिर भी हम खा सकते हैं। ये टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा ये टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा ये भी टेस्ट करते हैं। बढ़िया। और इसमें हींग, जीरा, अजवाइन, मसाला पूरी अच्छी तरह से बनाया जाता है। जो भी सौदा मेरे हाथों से बना हुआ है, ये बिहार बाजार का नहीं है, रेडीमेड सौदा नहीं है ये। अच्छा, ये आपने अपने हाथ से बनाया हुआ? खुद का बना हुआ, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। तो सुरेंद्र जी आप हमें क्या खिलाओगे यहाँ पे? आप मिक्स वैरायटी की हम आपको चाट बना कर खिलाने लगे हैं। ठीक आप है। देखो और बताओ, खाकर बताओ आप। ये चटनी डालने जा रहा हूँ, इमली की। इमली और ये नींबू डाल दिया। इस ये चाट मसाला, इसमें जीरा, अजवाइन और काला नमक और भून कर बनाया जाता है। ये करंट चूरन है, ये काला नमक है। करंट चूरन? हाँ। क्या बात है, ये बहुत पुराना चलता आ रहा है। ये हमारी चाट तैयार हो गई है। हाँ जी, ये लो आपकी चाट तैयार कर दी हमने। कितने की प्लेट है ये? एक प्लेट कितने की है? ये 40 रुपीज़ की है।
ये 40 रुपीज़ की भाई हमारी प्लेट तैयार हो गई है, इसको कहेंगे हम आम पापड़ चाट। कितने तरह के इन्होंने आम पापड़ इसमें डाले हैं, ऊपर से मसाले डाले हुए हैं। भैया चाट तो आपने बना दिया है, ये जो आपके सामने ये फॉइल पेपर में पड़ा हुआ है ये क्या चीज़ है? ये अनारदाने की स्टिक है, कुल्फी है, खट्टी मीठी, जो डाइजेशन के लिए और टेस्ट के लिए बहुत अच्छी है। भैया ये इसको कैसे खाते हैं, मतलब ऐसे ही सिर्फ? हाँ ऐसे, इसको चटनी नींबू मसाला डालकर खिलाते हैं आपको। तो ठीक है, इसको ना आप चार बनाओ। लो चार, चार पीसेस लगाओ जी हमारे। लो जी, ये डाल दिया नींबू, लेमन डाल के और सॉल्ट डाल के ना और अच्छा बना देंगे इसे। क्या बात है, क्या बात है, मतलब ये तो हाजमा करने का दुरुस्त बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, आपका हाजमा दुरुस्त, खाने पीने में, खाने में भी बहुत टेस्टी है। और इसको ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं। हाँ जरूर। भाई चाटें तो बहुत तरह की सुनी थी मैंने, पर आम पापड़ की जो चाट है ना वो आज पहली बार खाऊंगा। और ये मेरे हाथ में आम पापड़ की चाट लग चुकी है, बनते हुए मैंने आपको दिखा दी थी। तो ये यतीन की स्टिक लगवाई है इसने। भैया ये मैंने लगवाई है डाइजेस्ट स्टिक, चूरन की बनी हुई है, इसमें नींबू शींबू पता नहीं कितनी तरह के इन्होंने मसाले डाल दिए हैं, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी खाते हैं इसको, देखते हैं। ये ऊपर इमली की चटनी लगी हुई है यार इनके, उसके ऊपर इन्होंने मसाले डाले हैं। ये इमली की चटनी है, इमली की चटनी इन्होंने चाट में भी डाली थी। तो ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। 40 रुपये का पत्ता कॉस्ट करता है। और इतने सारे, इतने तरीके के इन्होंने आम पापड़, इसमें सूरन की गोलियां डाल रखी हैं जो कि डाइजेशन के लिए कहते हैं, बहुत बढ़िया। क्या चीज़ है यार ये, मज़ा ही आ गया। अगर आपको डाइजेशन ठीक करना है अपना, बहुत खा लिए, पी लिए, मौज कर लिए अपना यहाँ घूम फिर के, तो ये युवराज आम पापड़ वाले के पास पहुँचो, ये आपका हाजमा कर देंगे एकदम दुरुस्त। क्योंकि अमृतसर में स्ट्रीट फूड बहुत है, सारा कुछ खाने के बाद यहाँ पे आम पापड़ खाओगे, डाइजेशन के लिए कह रहे हैं बढ़िया है, जो इनके मसाले कह रहे हैं। मैं भी ये स्टिक ट्राई करता हूँ, ये कह रहे हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर करनी तो बनती है ना। ओए 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 भाई, 40 रुपये की चाट की प्लेट कॉस्ट करती है, और ये जो स्टिक आपको कॉस्ट करेगी ये 10 रुपये पर पीस कॉस्ट करेगी। इन्होंने पता नहीं कितनी तरह का, इसमें आम पापड़ और ये इमली का गोला, क्या कहते हैं इसको भाई, मुझे तो नाम भी नहीं आ रहे बताने, बहुत तरह की इन्होंने चीज़ें डाल दी। इमली का पेड़ा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम चाट का मज़ा ले रहे हैं, आप हमारी वीडियो का मज़ा लो। होप करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो एज यूजुअल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।